अलवर कांड में 90 एएसआई और 3 कांस्टेबल जख्मी रकबर को अस्पताल ले जाने से पहले गाय को पहुंचाया था गौशाला। लापरवाही की जांच जारी। अलवर के बाद अब उदयपुर में भीड़ की हैवानियां। चोर समझकर दो युवकों की जमकर पिटाई, दोनों गंभीर रूप से जख्मी। अलवर कांड के बहाने राहुल गांधी का सरकार पर अटैक, कहा यही है मोदी का क्रूर न्यू इंडिया। बीजेपी ने बताया नफरत के सौदागर। मॉब लिंचिंग की घटनाओं से निपटने के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला, गृह सचिव के नेतृत्व में बनाई कमेटी, 4 हफ्ते में सौंपेगी रिपोर्ट। भगौड़े मेहुल चौकसी को भी सता रहा है मॉब लिंचिंग का डर, 13,000 करोड़ के घपले का आरोप, बोला देश लौटा तो मार देंगे लोग। राफेल डील पीएम और रक्षा मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस देगी कांग्रेस, बीजेपी ने भी राहुल के खिलाफ गुमराह करने का नोटिस दिया। संसद के मानसून सत्र का आज चौथा दिन, कांग्रेस ने लोकसभा में लगाया जासूसी का आरोप, स्पीकर ने दिया जांच का भरोसा। शिकागो जेल में बंद मुंबई हमले के आरोपी डेविड हेडली पर अटैक, गंभीर रूप से हुआ घायल, अस्पताल में इलाज जारी। ।2019 में बीजेपी और शिवसेना का अलग होना लगभग तय, उद्धव बोले पीएम नहीं आम लोगों के सपनों के लिए लड़ रहा हूं, अपने कार्यकर्ताओं से बोले शाह महाराष्ट्र में सभी सीटों पर लड़ने को रहो तैयार। अफ्रीकी देशों के दौरे पर रवाना हुए पीएम मोदी, अफ्रीका में ब्रिक्स सम्मेलन में लेंगे हिस्सा, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी होगी मुलाकात। राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी फिर हुई बेनकाब, गहलोत बोले पायलट को मीडिया दिखाती है सीएम के सपने, सचिन का जवाब आपसे सीख रहा हूं। हाड़ौती में मुख्यमंत्री ने शहादत को किया नमन, झालावाड़ में शहीद मुकुट बिहारी के परिजनों को बंधाया ढांढस, बिटिया को किया दुलार, जनसंवाद में जानी योजनाओं की जमीनी हकीकत। बिहार विधानसभा में नया शराबबंदी कानून पारित, पहली बार शराब पीने पर जेल नहीं, आरजेडी ने कहा अमीरों पर मेहरबान सरकार। बिहार के मुजफ्फरपुर में बालिका गृह में 21 लड़कियों से रेप की पुष्टि, कैंपस में दफन लड़कियों को खोजने के लिए हुई खुदाई, सीबीआई जांच की उठी मांग। दिल्ली एनसीआर में भरभराकर गिर रही है भ्रष्टाचार की इमारत, दिल्ली के द्वारका में बिल्डिंग गिरने से 2 की मौत, 3 लोग जख्मी। रेप के आरोपों के बाद फिर घिरे गुजरात बीजेपी के पूर्व उपाध्यक्ष जयंती भानुशाली, वायरल हुआ अश्लील वीडियो। देशभर में भारी बारिश का दौर, चमोली में जारी लैंडस्लाइड, राजौरी में नदियां उफान पर, ओडिशा में बाढ़ से 3 की मौत। जोरदार बारिश के बाद अब मां नगरी पर बीमारी की मार, मुंबई में फैल रही लेप्टोस्पायरोसिस नामक खतरनाक बीमारी, अब तक 4 लोगों की हुई मौत। कुंजा गांव में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 1 नक्सली ढेर, 2 नक्सलियों ने किया सरेंडर। एसएल मैक्सिस केस में चिदंबरम एंड सन्स को राहत, पूर्व वित्त मंत्री को सीबीआई कोर्ट से अग्रिम जमानत, कार्ती का लुकआउट नोटिस रद्द। बाबा रामदेव के ड्रीम प्रोजेक्ट पर लगी हाई रोक, करौली में विवादित जमीन को लेकर हाईकोर्ट ने दिया झटका, रजिस्ट्री लीज डीड पर भी लगाई पाबंदी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बनाया रिकॉर्ड, 16 महीने में यूपी के सभी 75 जिलों का दौरा किया। यूपी के वाराणसी में बहनों ने दकियानूसी सोच को तोड़ा, चारों बहनों ने मिलकर मां को दिया कंधा। पाकिस्तान ने 3 भारतीय कैदियों को किया रिहा, बाघा अटारी बॉर्डर के रास्ते लौटे स्वदेश।